नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे आप सब। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं। तो साथियों, आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अपने भरोसेमंद चैनल को और बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा बंजर भूमि किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश में, बी बिहार में, सी राजस्थान में, डी पंजाब में। आपका सही जवाब होगा सी राजस्थान में। आपका उत्तर होगा। आपका दूसरा सवाल है, सबसे अधिक लोहा किस देश में पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए भारत में, बी चीन में, सी अफ्रीका में, डी कोरिया में। आपका सही जवाब होगा बी चीन में। आपका उत्तर होगा। आपका तीसरा सवाल है, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? आपका ऑप्शन है ए झांसी जंक्शन, बी महात्मा गांधी स्टेशन, सी नरेंद्र मोदी रेलवे स्टेशन, डी रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। आपका सही जवाब होगा डी रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। आपका उत्तर होगा। आपका चौथा सवाल है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी केरला, डी कर्नाटक। आपका सही जवाब होगा बी महाराष्ट्र। आपका उत्तर होगा। आपका पांचवा सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका ऑप्शन है ए सिनेमा, बी चित्रकला, सी शिक्षा, डी संस्कृति। आपका सही जवाब होगा ए सिनेमा। आपका उत्तर होगा। आप सभी लोग रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 6, झांसी नगर भारत के किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र में, बी मध्य प्रदेश में, सी उत्तर प्रदेश में, डी गोवा में। आपका सही जवाब होगा सी उत्तर प्रदेश में। आपका उत्तर होगा। आपका सातवां सवाल है, इंसान की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? आपका ऑप्शन है ए कान, बी नाक, सी हाथ, डी पैर। आपका सही जवाब होगा ए कान। आपका उत्तर होगा। आपका आठवां सवाल है, विश्व में सबसे ज्यादा समाचार किस देश में पढ़ा जाता है? आपका ऑप्शन है ए भारत में, बी हांगकांग में, सी ब्रिटेन में, डी श्रीलंका में। आपका सही जवाब होगा बी हांगकांग में। आपका उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है 9, सबसे बड़ा सांप कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए अजगर, बी पाइथन, सी कोबरा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी पाइथन। आपका उत्तर होगा। आपका दसवां सवाल है, गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है
ए पंजाब को, बी लखनऊ को, सी बनारस को, डी चंडीगढ़ को। आपका सही जवाब होगा डी चंडीगढ़ को। आपका उत्तर होगा, आप सभी लोग रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 11। भारत और पाकिस्तान के बीच में कितनी ट्रेन चलती है? आपका ऑप्शन है ए 5 ट्रेन, बी 1 ट्रेन, सी 8 ट्रेन, डी 6 ट्रेन। आपका सही जवाब होगा बी 1 ट्रेन। आपका उत्तर होगा, आपका अगला सवाल है 12। भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपका ऑप्शन है ए गया, बी सांची, सी कुशीनगर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी कुशीनगर। आपका उत्तर होगा, आपका अगला सवाल है 13। मनुष्य द्वारा अपनाई गई पहली धातु कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए सोना, बी तांबा, सी चांदी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी तांबा। आपका उत्तर होगा, आपका अगला सवाल है 14। लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा, डी कर्नाटक। आपका सही जवाब होगा सी उड़ीसा। आपका उत्तर होगा, आपका अगला सवाल है 15। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था? आपका ऑप्शन है ए चीन, बी भारत, सी अमेरिका, डी जापान। आपका सही जवाब होगा सी अमेरिका। आपका उत्तर होगा, आप सभी लोग रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 16। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? आपका ऑप्शन है ए इस्लामाबाद, बी कराची, सी लाहौर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए इस्लामाबाद। आपका उत्तर होगा, आपका अगला सवाल है 17। वह कौन सा जानवर है जो 30 फीट तक कूदता है? आपका ऑप्शन है ए हिरन, बी ऊंट, सी भालू, डी कंगारू। आपका सही जवाब होगा डी कंगारू। आपका अगला सवाल है 18। आंख की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ है? आपका ऑप्शन है ए अप्रिय लगना, बी धोखा देना, सी कष्टदायक होना, डी बहुत प्रिय होना। आपका सही जवाब होगा ए अप्रिय लगना। आपका उत्तर होगा, आपका अगला सवाल है 19। ट्रेन में कितने गियर होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 24 गियर, बी 28 गियर, सी 32 गियर, डी 35 गियर। आपका सही जवाब होगा सी 32 गियर। आपका उत्तर होगा, अब यह सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है, आज सोमवार है तो 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ए गुरुवार, बी शुक्रवार, सी
रविवार, डी शनिवार। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।